थैंक यू थैंक यू यस सिफारिश आई है यहाँ पे जी पूछिए क्रेडिबिलिटी नहीं रही भाई आज तो लास्ट क्वेश्चन की आ, uh, uh, ये सवाल मेरा सोनम करीना स्वरा और uh, आपसे शिखा आपसे है uh, क्या आप लोगों को लगता है कि इंडिया जो कंट्री है ये आवाज बहुत सुनी सुनी लग रही है मुझे वे आस्किंग ओह नो रवि इट इट स्वरा India, country are the first two words of the sawal. Uh, क्या, क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि इंडिया एज अ कंट्री साइमल्टेनियसली 16th सेंचुरी में जी रहा है और 21st फर्स्ट सेंचुरी में भी जी रहा है क्योंकि आज भी हमें ऐसी फिल्में बनानी पड़ती है आज भी हमें ऐसी बुक्स लिखनी पड़ती है जिसमें uh, बताना पड़ता है लोगों को एज अ ह्यूमन बींग लड़कियों की भी अपनी एक डिज़ायर्स होती हैं

मतलब क्योंकि एंड आई थिंक कि वो जो अंतर्ध्वन की बात कर रहे हैं आप वो तो ऑब्वियसली हर समाज में होगा ही कहीं पे भी दुनिया में इंसान के अंदर भी होता है समाज में भी होता है सो ऑब्वियसली वो हमारी फिल्मों में भी और रिफ्लेक्ट करेगा बट आई थिंक की आई एम सेइंग दिस एवरी सिंगल डे दिस माय नारा बट आई आई थिंक इट रियली जरूरी है बोलना कि एक सौ पांच साल हो गए हमारी फिल्म इंडस्ट्री को 1913 से और पहली बार मेन स्ट्रीम बॉलीवुड एक ऐसी हिंदी फिल्म बना रहा है जिसमें चार लड़कियां दोस्त हैं उनकी जिंदगी की कहानी है और किसी को सेम लड़के से प्यार नहीं हो रहा है तो वो कमाल की बात oh, wow, wow. है और वो खास yes. बात है फिल्म की थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो मच